देख रहे हैं प्राइम बी की न्यूज शेयर सच का साथ। इस वक्त खबर चरपत बागपत से आ रही है। यूपी के बागपत जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक, जहां पर बदमाश आए दिन अपराधियों के वारदात को अंजाम लगातार देते ही जा रहे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। यूपी के बागपत जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक है और बदमाश आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला बागपत जिले की कोतवाली बड़ौत इलाके का है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार तीन बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक को CHC बड़ौत में भर्ती कराया, जहाँ से पुलिस ने युवक की हालत की गंभीरता को देखते हुए रेफर कर दिया है। आज थाना बड़ौत क्षेत्र में ये लोहड्डा पुलिया के पास ये अमित सनोत राम मेहर, ये आज़ाद नगर बड़ौत के रहने वाले हैं, अपने चाचा के साथ जा रहे थे। तभी इनका कहना है कि तीन व्यक्ति जो वहाँ भांग के पत्ते मल रहे थे, उन लोगों ने इन लोगों को गोली मार दी है और इनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ ये खतरे से बाहर हैं। इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन